हमें बस दो चीजें हैं एक आजादी के बाद आफ्टर 1947 आपके मार्शल आर्ट्स का क्या प्रोग्रेस हुआ है अभी तक किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसके बाद अभी 2047 आजादी का 100 साल आपका विशन क्या है आपका मार्शल आर्ट्स किस डायरेक्शन में जा रहा है इधर वाले क्यों इधर बड़ी वंदे रिचिस फ्रॉम 1947 इंगे इतने निकलो मार्शल आर्ट्स

आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर आपने हमें यहाँ पर बोलने का मौका दिया है और हम जो हैं पंजाब से आए हैं लुधियाना से और सभी गतका प्लेयर हैं जो हमारे गतके की शुरुआत हुई थी आ, हमारे दस गुरु हुए हैं आ, फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी और टेंथ गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी और जब एक जुलम की हद बढ़ गई थी तो हमारे फिफ्थ गुरु थे श्री गुरु अर्जन देव जी जब उनको जो एक जहांगीर था उन्होंने जहांगीर ने इतना अत्याचार किया जो हमारे फिफ्थ गुरु थे और उनको जो जहां पर हम रोटी बनाते हैं ऐसे बड़ा सारा तवी लेकर और उसके ऊपर बिठाकर उनको शहीद कर दिया था जो फिफ्थ गुरु थे गुरु अर्जन देव जी और उन उन उनके बाद सिख गुरु थे श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी जो हरगोबिंद साहब जी थे उन्होंने इस अत्याचार को देखते हुए उन्होंने शस्त्रधारी होने को बोला क्षत्री जो क्षत्रि का मीन्स है मतलब शस्त्रधारी जो अपनी रक्षा आप खुद कर सके या जो गुरु हरगोबिंद थे जो गुरु हरगोबिंद सिंह जी थे उन्होंने दो कृपाने पहनी थी एक इधर कृपान बड़ी पहनी थी एक इधर पहनी थी एक का नाम दिया था मीरी दूसरी का नाम दिया था पीरी मीरी का मतलब एक शक्ति की एक और भक्ति की अगर हमने अपना जीवन सफल करना है उन्होंने बोला था भक्ति मार्ग भी जरूरी है शक्ति मार्ग भी जरूरी है बलिदान के लिए अब उन्होंने सेना तैयार की थी सोल्जर्स तब से उन्होंने गतका की पहले जो पहले गुरु थे वो वो भी गेम करवाते थे जैसे कुश्ती वगैरह हो गया सभी को प्लेयर तैयार करते थे सभी को डाइट वगैरह सब कुछ मिलता था और बड़े बड़े नाम भी दिए जाते थे उनको और जो गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह थे सिक्स गुरु उन्होंने दो कृपाने पहने पहनी थी उन्होंने बोला था हमने अपने ऊपर जुल्म नहीं सहना हमने इसका मुकाबला करना है अगर हम अगर हमारे पास कोई वेपन होगा हथियार होगा आगे वाले का हम किसी के भी ऊपर जुल्म हो रहा हो और किसी के ऊपर न्याय हो रहा हो हम उसका टाकरा कर सकते हैं ये ऐसा नहीं था कि हमने अपनी रक्षा करनी है जो हमारे महाराज थे उन्होंने बोला था सबकी रक्षा करनी है महाराज ने बोला था मान मानस की जात सबे एक के पहचान बो जितने भी लोग हैं वो सारे परमात्मा का ही रूप हैं ऐसा नहीं है अभी हम सिख कम्युनिटी से हैं हमने सिख कम्युनिटी को मचाना है उन्होंने बोला था जो सच है सच के साथ खड़ना है तो तब उन्होंने जो सेना तैयार की थी तब से उन्होंने गतका की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और बढ़ता 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 फ़ौज तैयार होगी गई घोड़े हाथी वगैरह सभी सेना तैयार होगी फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने चार युद्ध किए उन्होंने 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 उसमें फतेह की और जब जब नौ नाइन्थ गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी जब उनको दिल्ली बुलाया गया जब कश्मीरी पंडित थे जो आ, वो उन जब वो मुसलमान जो औरंगजेब था उन उनको फोर्स से उनको मुस्लिम मुस्लिम बना रहा था हिंदुओं को उनके जनेऊ उतार कर सभी का सभी को मुसलमान बना रहा था तब जब गुरु गोविंद सिंह जी थे उनकी आयु भी थ, ए, छोटी थी जब अनंतपुर साहब में उनको उनके पास फरियाद लेकर आए कश्मीरी पंडित और उन्होंने बोला भी ऐसे किसे महापुरुष की बलि चाहिए जब सारी सभा लगी हुई थी नौमे नाइन्थ गुरु भी थे गुरु तेग बहादुर जी उनके पुत्र थे गुरु गोबिंद सिंह जी उन्होंने जब बोला भी किसे महान पुरुष की बलि चाहिए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को बोला भी आपसे महान कौन हो सकता है तो फिर गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली चांदनी चौक में उनका उनको बल उनका उन्हें, उन्होंने अपना बलिदान दिया और दिल्ली चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का अलग कर दिया गया था और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा भी हम नहीं ऐसा करेंगे भी हम शक्ति और भक्ति को साथ लेके चलेंगे फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने फोर्टीन युद्ध किए फोर्टीन युद्ध में उन्होंने सभी में विजय हासिल की और एक सिख कम्युनिटी को खड़ा किया उन्होंने अमृत शिकाया और उन्होंने बोला था अभी जो भी मेरा सिख होगा वो रहत तो यानी कि हम एक मर्यादा के अनुसार रहेगा भी किसी के ऊपर जुल्म ना अपने ऊपर सहेगा ना किसी के और ऊपर होने देगा और तब से उन्होंने गतका वहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे युद्ध करवाने शुरू कर दिए सभी को ट्रेनिंग दी शुरू कर दी तलवारबाजी नेजाबाजी घोड़सवारी की सबकी और तब से फ़ौज बढ़ती गई बढ़ती गई जो गुरु गोबिंद सिंह जी के चार पुत्र थे दो छोटे थे दो बड़े थे दो दो जो बड़े पुत्र थे बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुजार सिंह जी वो युद्ध करते हुए चमकौर की घड़ी वहां पे उन्होंने शहीदी प्राप्त की और जो छोटे थे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह वो सरहंद में दीवार में उनको जिंदा चिनाकर उनको शहीद कर दिया गया था और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना लास्ट टाइम हजूर साहब महाराष्ट्र में बिताया और उन्होंने बोला था अभी जो मेरा सिख होगा वो छतरी होगा छत्री होगा हो मतलब भी अपने साफ हथियार रखेगा भी किसी का जुल्म नहीं सहेगा नहीं किसी के ऊपर जुल्म होने देगा और उसके बाद फिर उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर को भेजा था उन्होंने फिर पंजाब को फतेह किया था तभी से ये गतका आगे बढ़ता 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 आज यहाँ तक पहुंच गया सर ने बोला 1947 और उसके बाद पहले क्या था इतनी फैसिलिटी नहीं थी इतने हथियार वेपन नहीं थे भी खेलने के लिए तभी से जो हमारे पंजाब में बहुत ज्यादा अब बहुत ज़्यादा है गतका पहले किसी को मालूम नहीं था भी गतका क्या है गतका एक सोटी को बोलते हैं जिससे हम अपना डिफेंस भी कर सकते हैं अटैक भी कर सकते हैं उसको उसका नाम गतका रखा गया जो स्टिक बोलते हैं हम उसका नाम गतका है और उसमें सारे जितने भी हथियार वेपन वैपन वेपन है वो सारे उसमें आ जाते हैं और पहले जब बंड के बाद 47 के बाद फिर चलता गया छोटे छोटे गांव में खेलना शुरू कर दिया तो छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होकर लट स्टिक से खेलने लगे और जो अब है आ, मेरा बर्थ 96 96 का है और तब से यानी कि हम छोटे छोटे आयु से खेलते आ रहे हैं और पंजाब में अलग अलग अकेडमीज बना हुआ है और ज़्यादातर ये एक गतका हो गया एक तो गेम्स हो गई ये हमारी विरासत है हमारी विरासत है जैसे अपना कल्चर होता है ना किसी का कल्चर बंगड़ा किसी का वो है ये गतका हमारा कल्चर है और महाराज ने बोला था अभी मेरा महाराज ने सिख को सभी कुछ दिया बाते सभी बच्चा छोटे से जिसको लगन लग जाता है खेलने का तो तभी से वो क्लास ज्वाइन कर लेता है हाँ जी आगे कैसे जब हम हमारे पंजाब में तो बहुत अकेडमी चल रहा है अब पंजाब की हम बात तो करते हैं हमारा तो कल्चर कल्चर है हमारी विरासत है और बाहर गतका अभी बहुत प्रमोट होने लगा है जितना भी हाँ इंडिया लेवल में और इंटरनेशनल लेवल में है हाँ नी ते इंटरनेशनल लेवल में गतके की गतका बहुत प्रमोट हो रहा है और बाहर कनाडा यूके इंग्लैंड जितना भी है ना कंट्री ऑस्ट्रेलिया है सभी पे जब हमारा नगर कीर्तन तो निकलता है ना जिसको हम जब जो हमारे गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहब जब हमको एक हम सत्कार से लेकर जाते हैं तो उसके आगे हम गतका खेलते हैं हाँ अभी इसमें मार्शल आर्ट गतका में हम जंपिंग हो गया ये अब ऐड हुआ है पहले था नॉर्मल गतका खेलते थे डिफेंस कर लिया वार कर दिया अटैक कर दिया अब इसमें जंपिंग और आगे बढ़ता जा रहा है आ, प्रमोट हो रहा है बहुत ज्यादा और अब ऐसे है अभी हमारे तो पंजाब में बहुत क्लासेस शुरू होती हैं से बना हुआ है और बाहर भी यूपी साइड हो गया महाराष्ट्र साइड हो गया बहुत जगह अभी जब जब, जब 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 लोगों को पता लग रहा है अभी गत का क्या चीज है सभी फॉलो कर रहे हैं इसको हाँ जी अभी ऐसे है अभी आप बोले थे ट्वेंटी टू फोर्टी सेवन तब तक तो, तो महाराज की फौज बहुत बढ़ जाएगी ठीक है ना हाँ जी।, हाँ जी हम यही बोलते हैं भी किसी के ऊपर जुल्म आप किसी के ऊपर भी जुल्म होता है आप उस, उसके साथ खड़ो जाकर ऐसा नहीं है हम अपने लोगों के साथ खड़ना है ठीक है सिख कम्युनिटी का एक ही मैसेज है सबका बला चाहते हैं हम सरबत का बला नानक नाम चढ़ दी कला तेरे बने सरबत का बला ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे का जो भी प्रोग्राम होगा हाँ जी सर बताएंगे थैंक यू அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ சிலம்பம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை முன் தோன்றிய மூத்த குடியான தமிழ் குடியினுடைய முதல் கலைன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இது எந்த வருஷம் தோன்றினு இன்னுமே யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுவாங்க ஒரு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த கலை தோன்றதாக சொல்லுவாங்க இப்படி நம்ம பாரம்பரிய கலை வந்து நம்மளோட பயணிச்சுக்கிட்டே இருக்குது இதிலிருந்து தான் பல்வேறு ஆயுத பிரிவுகளெல்லாம் அப்படியே படிநிலையாக வந்ததுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மனிதனுடைய வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி அவனுடைய படைபலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆயுதங்கள் பரிணமிச்சுக்கிட்டே போச்சு அப்போ தான் வந்து இதை மு முறம் அதாவது முறையாக வடிவமைச்சது யாருன்னா அகத்திய முனிவர்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா கலரியோட குரு அகஸ்திய முனிவர் பரசுராமர்னு சொல்லுவாங்க சிலம்பத்தினுடைய குருவும் அகஸ்தியர் தான் ஏன்னா இந்த கலை என்பது வெறும் மார்ஷல் ஆர்ட் மட்டும் கிடையாது தற்காப்பு மருத்துவம் யோகம் இந்த மூணு கலைகளை உள்ளடக்கியதான் இந்த கலை ஏன்னா இதுலேருந்து எதுவும் பிரிச்சிட முடியாது ஏற்கனவே ஒரு மேடம் இங்கே பேசினாங்க ஒரு பிளாசபி இருக்குது இதுக்குன்னு ஒரு தத்துவம் இருக்குது ஏன்னா இந்த இந்த உடம்பை பற்றி தெரிஞ்சால் தான் சரீர சூட்சமங்கள் அறிய முடியும்னு அகத்தியர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா அகத்தியர் எழுதுனதே தமிழ் சூத்திரத்தில் தான் எழுதியிருக்காரு இப்படி இப்படி தான் வந்து நம்மளுடைய குருமுனி எழுதின இந்த கலையானது இந்தியா முழுவதும் பரவி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து சோழ மன்னர்கள் அதாவது சொல்லுவாங்க கடல் கடந்து போன சோழ மன்னர்கள் தான் அதாவது உலகத்திலேயே அதிகமான நாடுகளில் படையெடுத்தது சோழ மன்னர்கள் அவங்களுடைய படை பிரிவுலேயும் இந்த கலை இருந்தது பிற்காலத்தில் ஏன் இந்த கலை அழிஞ்சுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது பல படையெடுப்புகள் சொல்லலாம் அதாவது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் தான் இந்த கலை வந்து கலரி சரி எல்லா கலையுமே ஒரு பேன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி பேன் பண்ணும்போது தான் இந்த கலை வந்து மெல்ல மெல்ல அழிஞ்சிட்டு வந்தது பிற்காலத்தில் திருப்பியும் இந்த கலையை எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணோம் அப்போ தான் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா இந்த திருவிழா காலங்களில் இந்த கலை எப்படியாவது இந்த ஆசான்மார்கள் குருமார்கள் எல்லாம் இந்த கலையை எப்படியாவது எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டில் போயிட்டு அவங்க கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி ஒயிலாட்டம் மயிலாட்டம் அந்த மாதிரி ஒரு கிராமிய கலைகள்ல எங்களுக்கு ஒரு கலை இருக்குன்னு நாங்கள் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சிலம்பாட்டம் அப்படிங்கிற எஸ் சிலம்பாட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வச்சு கொண்டு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டை ஒரு இது கொடுக்குறாங்க சரி நீங்க டெமோ பண்ணி காட்ட சொல்றாங்க அப்படி டெமோ பண்ணனதான் ஒரு ஃபயர் வச்சு இந்த மாதிரி ரிப்பன் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மார்ஷியல் ஆட்டம் இல்லாமல் ஒரு டெக்கரேட் சிலமமா ஒரு கன்வெர்ட் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி வந்தது அது அப்படியே காலைப்போக்குல எல்லா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டு வெளியே போனதுக்கு பின்னாடி நிறைய ஆசான்மார்கள் வந்து மறுபடியும் என்ன நாங்கள் இது பு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எங்களுக்கு இந்த மார்ஷல் ஆர்ட் மேலாவில் வந்து எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அகசியம் களரி ஐகேஎஸ் கலரி மற்றும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கிட்டாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போது பஞ்சாப்லேருந்து நண்பர்கள் வந்திருக்காங்க நிறையா இப்போ மல்லர் கம்பம் இப்ப நடந்த மராட்டியம் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம பாக்குறதுக்கும் பரிணமிக்கிறதுக்கும் நிறைய அதாவது என்ன சொல்றது திருப்பியும் நம்மளுடைய கலை புதுப்பிக்கிறதுக்கான ஒரு சரியான ஒரு நேரம்னு இத நான் கருதுனேன் அடுத்த கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு பத்தாண்டுகள்ல வந்து அபிரிதமான வளர்ச்சிக்கு இது எட்டும்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த நேரத்துல जैसे सर ने बताया अभी जो ब्रिटिश थे भी एक डांस की सर ने मुझे बताया अभी वो बोल रहे थे भी ये डांस कर रहे हैं एक तरह का भी इनको करने दो है ना और जो हम हमारी सोच है भी गत का क्या है भी गत का हम महाराज ने बोला छतरी हम अपना 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 खुद रखते हैं हैं भी हमको कहीं पे भी जरूरत पड़ सकता है गेम्स हम खेलते हैं गम हम गेम्स हम अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए खेलते हैं ना और आगे बढ़ते हैं अपना नाम चमकाते हैं और दो नेशनल इंटरनेशनल खेलते हैं एक तो होता भी है अप, मैंने अपना नाम है ना और जो भी गत का खेलेगा वो कभी हारेगा नहीं क्यों जी हम तो चलो हमारी तो विरासत भी है हम तभी खेलते हैं पर ऐसा नहीं अभी हम एक परफॉर्म होता है भी हम किसी को शो कर रहे हैं ए, हम इसको शो एक शो की तरह नहीं मानते हम इसको एक युद्ध की तरह मानते हैं अगर हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं कल कोई युद्ध लगता है और जैसे आर्मी है आर्मी का सब वेपन है इनको सभी को चलाना तो आता है ना हमारे पास हमारा वेपन होगा सभी के पास हथियार होगा हमको चलाना नहीं आता होगा तो हम हम कैसे कैसे जीतेंगे ये बात ज़रूरी है जो मेन घतका है हमको इसको यूज़ करना जरूरी आना चाहिए ओके okay, आप इनको जरूर ट्रांसलेट करके बताइए आप बताइए बताइए हाँ तो उन्होंने क्या उन्होंने क्या कहा आ, था हाँ उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश जब उनको पता चला कि ऐसा मार्शल आर्ट्स है तो वहां से योद्धा आ सकते हैं तब ये लोग जाके उनको समझाए कि नहीं नहीं, नहीं हम लोग सिर्फ डांस की तरह ये करेंगे तो इसमें आग लगा के या रिबन लगा के तो सिलम्बम को ऐसा दिखाया तो उनको लगा कि कोई डेंजर नहीं है तो

எல்லாருக்குமே வணக்கம் என்னோட பேர் வந்து செல்வமொழியன் நான் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரேன் இப்போ வந்து உங்கள் மல்லர் கம்பம் பற்றி உங்கக்கிட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலான் இருக்கேன் மல்லர் கம்பம் அப்படின்னா மல்லர் மாமல்லர் அந்த காலத்தில் வந்து வீரனை குறிக்கும் கம்பம்னா அந்த போஸ்ட்டை குறிக்கும் மல்லர் கம்பம் எதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னா நமது போர் வீரர்கள் போர் போருக்காக தன்னுடைய உடம்பை வந்து வலுப்படுத்துறதுக்காக மட்டும்தான் மலர்க்கமம் பயன்படுத்தப்பட்டது இங்கே இருக்க எல்லா கலைகளுமே நம்ம போருக்காக மட்டுந்தான் பயன்படுத்தப்பட்டது ஸோ அது அது காலப்போக்கில் என்ன ஆச்சுன்னா வெள்ளையர்கள் நம்மளை அடிமைப்படுத்தும் போது கலைகள்லாம் வந்து அழியப்பட்டது ஏன்னா வந்து நம்ம மேன் பவர் அதிகம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அதிகம் அவங்க கிட்ட கன் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால இந்த மாதிரி கலைகள்லாம் பண்ணனா அவங்கள நம்ம அழிச்சிரும் அப்படின்றதுனால நம்மளை எல்லாத்துலேயுமே அதை பிளாக் பண்ணுறாங்க என்னென்ன வீ என்னென்ன கலைகள்லாம் நம்ம பண்ணமோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து பிளாக் பண்ணிவிட்டாங்க அதை அழிச்சிட்டாங்க ஸோ காலப்போக்கில் அது எல்லாருமே நம்ம வந்து மறந்துட்டோம் சில 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 ஆசான்ஸ்லாம் மறைஞ்சு மறைஞ்சு தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நம்மளுடைய கலைகளை ஸோ இப்போ வந்து மகாராஷ்டிராவில் பாலபட்ட துயோர் என்றவர் தான் வந்து இக்கலையை வந்து மீட் எடுத்து ஸோ இது வந்து சண்டையாக இப்போ வந்து சண்டை போடுற மாதிரி கொண்டு போனால் இது வந்து ரொம்ப ரீச் ஆகுது இது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக கூட்டி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பாலபட்ட துயர் என்றவர் வந்து ஒரு முப்பது வருஷமாக நடத்திட்டு வராரு ஸோ அதில் எங்களுடைய மாஸ்டர் உலகுதுறை தமிழ்நாட்டில் இருக்க எங்களுடைய மாஸ்டர் வந்து உலகுதுறை வந்து இந்த கேம் வந்து இந்த விளையாட்டு இந்த கலை வந்து புதுசாக இருக்கு இதை நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போவோம் எல்லாருக்கிட்டையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஏன்னா நம்மளுடைய கலையாச்சே ஸோ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு போட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து வாலிபால்ல வந்து கை கைப்பந்து கழகம்னு சொல்லிட்டு இந்திரா காந்தி கைப்பந்து கழகம் ஒரு டீம் வச்சிருந்தாரு ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே டெலிட் பண்ணிட்டு இந்த கலையை கொண்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா மாணவர்களுக்கும் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்கும் போயிட்டு எல் இந்த கலையை மலர் கம்பத்தை வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி 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 அவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்து சொல்லிக் கொடுத்தாரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் மகாராஷ்டிரா கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்கணும் ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து முதல் முறையாக தங்கப்பதக்கம் வென்றது நேஷ்னல் லெவலில் ஸோ அந்த நேஷ்னல் பிளேயர்ல நானும் ஒரு ஆள் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் நம்மளை இந்தியாவில் இருக்க எல்லாமே இப்போ பஞ்சாப்லேருந்து நம்ம கேரளா வரைக்கும் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே இந்த கேமை வந்து இந்த இந்த கலையை வந்து கற்றுக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய இடத்துல மல்லர்க்கம்பம் பல விதமான கலைகள்னா என்னன்னே தெரிய மாட்டேங்கிது அதுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பண்ணதுனால இன்னைக்கு பல பேருக்கு நமக்கு ரீச் ஆனது அது சார் ரொம்ப உங்கள் டீமுக்கும் உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப மேப் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் ஸோ இது எப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஈவெண்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே தலைகீழ தான் பிராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம் கேச்சஸ்லாம் போடும்போது இது இப்போ தையில தான் நம்ம கேச்சஸ் போடும் ஆர்ம்ஸ் வச்சு தான் கேச்சஸ் போகிறோம் ஸோ எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃபிட்னஸா இருக்கும் அப்டமன்லேருந்து தை ஆர்ம்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே ரொம்ப ஃபிட்னஸா இருக்கும் மைண்ட் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போகும் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு நார்மலாக இப்போ எந்த ஒரு கலையிலையும் இல்லாத ஒரு பர்சன் அனதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும் நம்ம நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போகவே மாட்டோம் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம ஃபிட்னஸ் பாடி வந்து ரொம்ப ஃபிட்னஸ்ஸாக இருக்கும் நான்லாம் வந்து ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம்லாம் போய் நான் ஓப்பனாக சொல்றேன் எந்த ஒரு எனக்கு ஜுரம் ஃபீவர் அந்த மாதிரி வந்து சளி பிடிச்சிருக்கு எதுக்குமே நான் போனதே கிடையாது ஏன்னா ஃபிட்னஸ் தினைக்கும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய உடம்பை வந்து வலுப்படுத்துகிறோம் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு எல்லாமே மேலே வரலாம் பட் எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு கலையில பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளுடைய கலையை வந்து மீட்டெடுக்க முடியும்

So, as he was saying, 2006 is when Tamil Nadu caught hold of the Maharashtrian Malkham. And then 2006 itself, they became national champions. So in India, there is this potential. We are all prepared to do it's in our blood. Right? On October 2nd, we had 1500 school students. For the first time they came here, it was an anti-drug drive chaired by our MLA, our MLA, who was here. And 1500 students, we gave them. 15 minutes mock drill in Kalari, Mahesh Prakar was reading, and then they performed 15 all of them together. But they did it so smoothly that MLA was saying it is in our blood. If you have never been exposed to this thing, but from the get-go, the kids catch it. And you look at the six-year-old and the ten-year-old who were there on stage today. The smaller kids, the boys who had come with them. The mix of martial arts is there in India. It's up to us to support. And as he was saying. he has not been to the hospital for the last eight years because the fitness that comes the, the the pressure you know they are always upside down each part each limb is totally secure and strong and that really really helps thank you very much my humble request sir so ipo ella state limey vande malcom reach out vandit iruke nalla eena school games la vandichi uh, kelondia and fit india so university matches internationals ஸோ இன்னைக்கு வந்து நேஷ்னல் கேம்ஸ்லேயும் மால்கம் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ எல்லா இடத்துலையும் அளவுக்கு ரீச் ஆகி இருக்கு கேரளாவில் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் டீம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணலை ஸோ சார் சப்போர்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நான் வந்து டீச் பண்ணி கேரளா டீமை நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் யெஸ் ஐ ப்ரோமிஸ் யூ வில் ஃபார்ம் பல்கம் டீம் கேரளா பல்கம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் நெக்ஸ்ட் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் மேலா வீல் ஹேவ் கேரளா பல்கம் டீம் ப்ர்ஃஃபார்ம் நமஸ்காரம் என் நேம் ஜி திலீப் സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള മാർഷൽ ആർട്ട് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുവെന്നും രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആകുമ്പോൾ എന്താകും നമ്മുടെ അവസ്ഥയും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചർച്ച ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കളരിപ്പയറ്റ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നത് തെക്കൻ കളരിയും വടക്കൻ കളരിയുമായിരുന്നു കൂടുതൽ എന്നാൽ മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലിതില്ലായിരുന്നു വടക്കൻ കളരിയിലായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടുമുള്ള നമ്മുടെ വടക്കൻ പാട്ടുകളും വീരഗാഥകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മാമാങ്കം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ആധുനിക ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് നമുക്കൊരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായി ആ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നമ്മളെ മാർഷൽ ആർട്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ ടി വി ആയി മൊബൈലായി നമ്മുടെ ഓരോ എക്വിപ്മെൻസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കോരാൻ സ്വിച്ചിട്ടാൽ മതി അരയ്ക്കാൻ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി എല്ലാം സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് മാത്രമായ കാര്യങ്ങളായപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കായികമായ അധ്വാനം കുറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ അറിവ് വർദ്ധിച്ചു പക്ഷെ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഡൗൺ ആയപ്പോൾ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന പോസ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത് ചാക്കോ നൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സ് മരിച്ച ഒരാളുടെ എഴുതി വച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് മിഥുൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അറിവ് കുറവും കായിക അധ്വാനം കൂടുതലുമായിരുന്നു ഇന്നുള്ള നമുക്ക് അറിവ് വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ കായികമായിട്ട് പുറകോട്ട് പോയി അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം ജനിച്ച എത്ര പേര് പേരിപ്പോ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതനുസരിച്ചേ നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ നൂറു വർഷം ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാര് എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കൂല അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രോ ബാക്ക് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണിത് ഈ പറഞ്ഞ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മാർഷൽ ആർട്സിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് പഠനത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോയി ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണം കൂടി എഞ്ചിനീയർമാരുടെ എണ്ണം കൂടി അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം കൂടി പക്ഷെ കായികമായിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞുപോയി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി കാല് വഴുതി താഴെ വീണു അവൻ്റെ കൈക്ക് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായി അവനെ കുങ്കുവിന്റെ യൂണിഫോമിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ അവരുടെ പേരൻസിനോട് ചോദിച്ചതാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് പോയാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അവനെ ഒരാൾ അടിച്ചതോ ഇടിച്ചതോ ഒന്നുമല്ല അവൻ കാലു വഴുതി താഴെ പോയപ്പോൾ പുറകിലത്തെ കൈ കൈയൊടിഞ്ഞു കയ്യൊടിഞ്ഞു പക്ഷെങ്കിൽ അപ്പോഴവൻ്റെ കൈയുടെ ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ട് അന്നേരം തന്നെ ആ ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ആവശ്യം ചിട്ടയായ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചിട്ടയായ ഒരു കായിക രൂപരേഖയാണ് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുഴുവൻ അടുത്ത തലമുറ സ്ഥിരമായിട്ട് കായികമായി ഉന്ന ഉന്നതത്തിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാറ്റണം മാറണമെങ്കിൽ ഇനിയും ജനിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയിലും ഇനിയും ജനിക്കുന്ന അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഉള്ളവരോട് ഇനിയും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവൂല്ല അടുത്ത ഒരു തലമുറ മാറി വന്നാൽ ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇനിയും ജനിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയിലും അവന്റെ അവൻ വളർന്നു വരുന്നതനുസരിച്ച് അവന് അവൻ്റെ എത്ര പ്രായം അക്കാഡമിക് സമയം വരെ അവനെ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തേലും ഒരു ആർട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം നിർബന്ധമായും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജയദശമി ആയിരുന്നു നമുക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ അറിയാം വിജയദശമി ദിവസം എല്ലാവരും കളരിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടും ഈ വർഷത്തെ വിജയദശമിയിൽ എത്ര പേര് കളരിയിൽ പോയി അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എത്ര പേരെയാണ് നമ്മൾ കളരിയിൽ കൊണ്ടുവിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മാർഷ്യൽ ആർട്സ് സ്കൂളിൽ വിട്ടത് എൻ്റെ അടുക്കൽ ആരും വന്നിട്ടില്ല കളരിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് വന്നിട്ടിരിക്കും അതാണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതി പറ്റില്ല കാരണം അധ്യാപകർക്ക് മാർഷൽ ആർട്സിനെ പറ്റി അറിയില്ല അധ്യാപകർക്ക് മാർഷൽ ആർട്സിനെ പറ്റി അറിയില്ല അത് അടിവരയിട്ട് പറയണം കാരണം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല അത് അവരുടെ പേരൻസിന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ അധ്യാപകർ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഏജ് ഇതിനൊരു പ്രശ്നമല്ല ഏജ് ബാർ നോക്കരുത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ഇതിനൊരു മോഡലായി മാറണം റോൾ മോഡലായിട്ട് മാറണം നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തെ ഒരു അക്കാഡമിക്കിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളും സമ്പൂർണമായിട്ട് ഒന്നുകിൽ യോഗ അല്ലെങ്കിൽ എന്തേലും ഒരെണ്ണം അവർ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അവർ അതും പഠിച്ചിരിക്കണം ആ രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റണം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ യോഗ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആ രൂപത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് റോൾ മോഡൽ ആവണം അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു തലമുറ ഇങ്ങനെ ശീലിച്ചു വന്നാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്താണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതായിരിക്കണം വ്യത്യാസം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാകുമ്പോൾ അടുത്ത തലമുറ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കായികപരമായിട്ട് എന്തേലും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റം എടുക്കണം മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരണം അതിനെ അൻപത് ശതമാനം പേര് എതിർക്കും അൻപത് ശതമാനം പേര് താഴെ കാണത്തുള്ളൂ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് എടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഏതേലും എന്തിനു വേണേലും അവനെ വിടണം അവനെ ഇന്നത് പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള അവനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണോ വരുന്നത് അത് പഠിപ്പിക്കണം അവനെ സ്ഥിരം അവനെ കളരി പഠിപ്പിക്കണം അവനെ കുങ്കു പഠിപ്പിക്കണം അവനെ സ്ഥലംബം പഠിപ്പിക്കണം അവനെ അങ്ങനെ ഗഡ്ഗ പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോന്നുമായിട്ട് മാറ്റരുത് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് പഠിക്കാം പക്ഷേ പഠിച്ചിരിക്കണം അവൻ നിർബന്ധമായിട്ടും അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് പഠിക്കാം പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റം വന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാവുമ്പോൾ ഡ്രഗ്സിന്റെ ഉപയോഗം കുറയും അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഡ്രഗ്സിന്റെ ഉപയോഗം കുറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലഹരി വിമുക്ത കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം പ്രോഗ്രാംസും ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും അതായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് പ്രയോജനം എന്ത് പ്രയോജനമാണ് നാളെ ഒറ്റ ദിവസം ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു ഇനിയും ഇല്ലാതെ അപ്പം അതിനാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല നാളേക്കായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരും നമ്മളുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളും അങ്ങനെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അടുത്ത തലമുറ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഷൽ ആർട്ട് എന്തേലും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാകുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനതയായിട്ട് നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കേരളത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അവരുടെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നന്ദി താങ്ക് യു സോ ദിലീപ് സാർ ഇവൻ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഡിസ്കഷൻ ഹി വാസ് മെൻഷനിങ് ദ സെയിം പോയിന്റ് ദറ്റ് അൺലെസ് വി മേക്ക് ഇറ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിലബസ് മേക്ക് ഇറ്റ് സംതിങ് ഹാബിറ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് കമ്പൾസറി ഇൻ സ്കൂൾസ് to learn martial arts only then fitness will become part of the indian lifestyle otherwise we are focused only on academic brilliance studies rank mark and so on without caring about the health so he has also just set a challenge for trinity college to try to model something like this we will try to do that definitely but like you said 50% will be against it but uh, let's see as many students as possible because health becomes when we conduct sports meet also we usually don't have girls who can run 200 meters. It's very difficult to find participants for such a race. So it's very, very important. And uh, as he was mentioning, if we don't do this then it becomes limited to the melas. We will do a mela, we'll do an anti-drug campaign and then tomorrow everybody goes away. We have to make, make sure that they go back to a school where this is compulsorily being done. This is part of classes. I learned Malcolm as part of my class. And he also said, leave it to the students.

മിലിട്ടറിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടന്നു ട്രിവാൻഡ്രം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മിലിട്ടറിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം പേരാണ് അന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പേർ ആയിരത്തി അറുനൂറ് മീറ്റർ ഓടേണ്ടത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാല്പത്തിനാല് സെക്കൻഡിലും ആണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് നാല്പത്തിനാല് സെക്കൻഡിലും ആയിരത്തി അറുനൂറ് മീറ്റർ ഓടണം ഇത്രയും ക്രൗഡ് കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടമാണ് ആദ്യം വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിനായിരത്തിൽ താഴെയായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ പതിനായിരത്തിൽ താഴെയായിട്ട് ഇത് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി പതിനേഴായിരത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഓടാനുള്ള കഴിവില്ലാത്ത കുട്ടികളായിരുന്നു നമ്മളുടേത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്

कांटेक्ट में आ गए और इतना अच्छा इवेंट जो मुझे पार्टिसिपेट करने को मिला आप सब लोगों की वजह से ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है आपकी पूरी आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और उससे बढ़कर आपने जो एक माला तैयार की हुई है उस माला में जो फूल आपने पिरोए हैं जैसे कि गदका है सिलम्बम कलरीपैटू मल्लखाम मर्दानी खेल और आगे बढ़ के आप और इन खेलों को ऐड करते रहोगे ये जो माला तैयार हुई है वो नेचुरली इतनी ब्यूटीफुल है कि पूरी दुनिया में इसका तोड़ नहीं क्यों क्योंकि मैंने खुद ने दुनिया के बहुत सारे मार्शल आर्ट बेसिकली ट्रेन किए हुए हैं और मैंने गद का भी नेशनल प्लेयर हूं मैं देन सिलम्बम का मैं वर्ल्ड चैंपियन शिप टू में मैंने किया है देन मर्दानी खेल में भी मैं प्रेसिडेंट हूँ वर्ल्ड मर्दानी फेडरेशन का तो आपने जो पहले क्वेश्चन किया था उस बारे में बोलना चाहूंगा कि हमारी जो इंडिया है हमारा भारत देश वो सबसे महान है पूरे वर्ल्ड में हर चीज में आप मैथ्स साइंस लैंग्वेजेस देन स्पोर्ट्स एंड ऑल्सो कल्चर सब में इंडिया महान है रियली really. क्योंकि दुनिया के थाई बॉक्सिंग दैन किक बॉक्सिंग और बहुत सारे गेम्स है इंडोनेशिया का गेम मलेशिया का गेम ये पूरे में लर्न कर चुका हूं लेकिन जो इंडियन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है उनका तोड़ अभी तक मुझे तो नहीं मिला है इट्स अ ग्रेट मार्शल आर्ट्स ऑल ऑल स्टेट्स हर एक राज्य का मार्शल आर्ट है हर एक राज्य की खासियत है हर एक राज्य की खूबी है और उस राज्य ने उस स्टेट ने उसको और इंक्रीज किया है बढ़ाया है जैसे पुराने जमाने में ये सब खेल थे छोटे छोटे बच्चे ये सब खेल खेलते थे वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने भी अपने साथियों को उनके बचपन में साथ लेकर उस जमाने में जो जरूरी था ना सिर्फ धर्म के अगेंस्ट ना किसी रिलीजन्स के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की उन्होंने स्टैंड लिया उस परिस्थिति के अगेंस्ट वो परिस्थिति क्या थी जैसे अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने अत्याचार किए उन्होंने हम पर राज्य किया इंडिया पे तो उनके अगेंस्ट हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है फ्रीडम फाइटर उन्होंने लड़ाई की अगेंस्ट अंग्रेजों के खिलाफ उससे पहले जो भी मुगल है पोर्तुगीज है डच है उनके अगेंस्ट उस काल के राजा महाराजाओं ने वहां पे फाइट किया है और हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर जैसे अभी मैं देख रहा हूं अपने कॉलेज के अगल बगल में पहाड़ी है काफी नेचुरल एरिया है ऐसे ही पहाड़ियों में अपना खुद का साम्राज्य खुद का एम्पायर उन्होंने तैयार किया गढ़ किले जो बोलते हैं वहां पे महाराष्ट्र में खुद का एम्पायर उन्होंने तैयार किया और बड़े से बड़े मुगल साम्राज्य के खिलाफ खिलाफ एक स्टैंड लेके पूरे इंडिया में अपना एम्पायर स्थापित करना अपना साम्राज्य स्थापित करना यह कोई छोटी बात नहीं थी और उसी में से मरदानी खेल का योगदान बहुत बड़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में मरदानी खेल इतना इंक्रीज हुआ है इतना डेवलप हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते जो मुगल राज्य के सैनिक है वो जो आ, क्या बोलते हैं उसको चिलखंड प्रोटेक, प्रोटेक्शन के लिए जो पहनते थे हेड गार्ड्स चेस्ट गार्ड आर्मर, आर्मर, आर्मर तो उनको भी कैसे ब्रेक किया जाए कम समय में कैसे ब्रेक किया जाए उसने उसके लिए धमनी नागिनी नागिनी मींस नागिनी जैसी एक तलवार थी स्वाड शायद इनके पास है हाँ तो नागिनी जैसी है वो उसे काट सकती थी कट कट कर सकती आर्मर को और हेड गार्ड को तो ये एक डेवलप हुआ गुर्ज, गुर्ज मींस गधा जो है आ, हनुमान जी के हाथ में होती है तो उसका छोटा स्वरूप उसको होते हैं छोटे छोटे नोक होते टिप्स हाँ स्पाइक होते हैं स्पाइक से वो मार के उसे तोड़ा जा सके तो ऐसे छोटे छोटे शस्त्र अब अभ, अभी हमने विटा देखा जो फेंक के रिटर्न हम वापस कर सकते अगर हमने एक शस्त्र मार दिया तो हम निहत्य हो गए एम टी हैंड तो हम फाइट कैसे करें इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसे एक रस्सी जोड़ी गई आप फेंक के मार सकते हो दूसरे को जो हाथी पर बैठा है घोड़े पर बैठा है उसे हम फेंक के मार सकते हैं रिटर्न हमारा वेपन रिटर्न ले सकते हैं तो उसको बोला जाता है विटा तो ऐसे बहुत सारे वेपन्स छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में डेवलप हुए और दूसरा एक वेपन छोटा सा है वागनकह वागनकह मींस टाइगर का जैसे नेल्स होते हैं टाइगर नेल्स वैसे वागनकह बोला जाता है अफजल खान को अफजल खान का वध किया था तो वो वागनक का यूज किए थे पहाड़ी पे चढ़ने के लिए आदिवासी लोग उस टाइगर नाइफ का यूज करते थे कि पहाड़ियों पर ऐसे उसे अटका के ऊपर जा सके तो उसका यूज छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का मर्डर मर्डर करने के लिए किया तो ये सोच करने से भी परे है और एक बात हम सब ने हम सब लोग जानते हैं कि टोटल मार्शल आर्ट ऑल मार्शल आर्ट फिजिकली ग्रेट है जो भी आदमी मार्शल आर्ट करेगा कोई भी करे गद्का करे सिलंबम करे करे या कुलर वो फिट रहेगा नो डाउट बट मेंटली हर एक मार्शल आर्ट में कैसे फिट रहना है उसका भी टेक्निक है छत्रपति शिवाजी महाराज ने तीन बार तीन बार सुसाइड करने की सोच ली थी तीन बार ना कि एक बार तीन बार सोच ली थी सुसाइड करने की लेकिन एक मर्दानी खेल है जो उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग कर पाया और उन्होंने स्टैंड लिया और आगे जीत कर पाए तो एक इतिहास है मर्दानी खेल का अच्छे अच्छे वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे अच्छी अच्छी कलाएं टेक्निक्स आपको देखने को मिलेगा ये हो गई इतिहास हिस्ट्री में जो मर्दानी खेल था इसकी बात इन फ्यूचर फ्यूचर में जैसे बहुत सारे खेलों ने अभी ग्रोथ किया है हमने भी मर्दानी खेल का जो वर्ल्ड फेडरेशन है वो फाउंड किया है इन टू द मार्च एंड अप्रैल हम लोग फर्स्ट मर्दानी खेल वर्ल्ड चैंपियनशिप करने वाले मलेशिया में तो ये सब हमारे लिए और आप सबके लिए ये ग्रेट थॉट है And आप सबके आशीर्वाद से और सपोर्ट से हम बिल्कुल ये कर पाएंगे सो so, जो भी इंडियन गवर्नमेंट से मिलने वाली अथॉरिटीज है वो हम ट्राई कर रहे हम लोग कैसे उसको अचीव करें। डॉक्यूमेंटली हम लोग क्लियर है स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ कर रहे हैं एंड टू थाउजेंड में बिल्कुल ये गेम अलग ही दिखेगा क्योंकि हम इसको ना एक वॉर के तौर पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको गेम की तौर पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो भी गर्ल्स को एंड बॉयज़ को प्रोटेक्ट करेगा अच्छी तरीके से वहाँ पे महाराष्ट्र में हमने तकरीबन सिक्सटीन थाउजेंड गर्ल्स को एम टी हैंड सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दिया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तहत और हम लोग चाहते हैं कि केरला में भी इसका ग्रोथ हो तो आपके थ्रू या जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है तो ये मैं खूब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी टीम को ऐसी जो आपने माला पिरो के रखी है तैयार की हुई है वो माला ऐसे बढ़ते जाए और उसमें नए नए गेम्स ऐड होते जाए लास्ट में मैं कोई गर्ल्स महाराष्ट्र से बोलना चाह रही है क्या आप आ सकती है स्टेज पे क्या मैं उनको ओके थैंक यू कम फास्ट ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको बोलना चाह रही है नमस्कार जय शिवराय आज मी तुम्हाला मर्दानी खेळाबद्दल माहिती सांगणार आहे म्हणजे माझी मातृभाषा मराठी आहे त्यामुळे मी मराठीतून बोलले तर चालतंय ना सगळ्यांना मा <laughs> हा मर्दानी खेळ हा मुळात मर्दानी खेळ हे मर्दानी खेळाचं नाव नाही आहे तर त्याला सगळ्यात आधी शिवकालीन युद्ध कला असं म्हणला म्हणलं जायचं पुढे त्याचा अपभ्रंश होत होतच मर्दानी खेळ हे त्याला नाव प्राप्त झालं मर्दानी खेळ काय तर मर्दांचा खेळ आपल्या ह्याच्यामध्ये आपण आगीनी पण बघितले असतील खेळताना पण हा मर्दानी खेळ हा का प्राप्त झाला तर मर्दानी खेळ खेळ म्हणजे मर्दांचा यामध्ये आपल्याला विविध शस्त्र बघायला मिळतात जसं पट्टा तलवार भाला पट्टा ती काठी काठी हे काठी हे आद्य शस्त्र असं मर्दानी खेळामध्ये काठीला मानलं जात आहे का काठीचा उपयोग कुठेही अगदी हार्डवेअरच्या दुकानात जरी आपण गेलो तरी काटी आपल्याला सहज उपलब्ध होत्या तसाच पट्टा पट्ट्याचं पात अगदी लवचिक असते आणि ते, ते एकदा एक वार मारला की सरळ एक घाव दोन तुकडे महाराष्ट्रात म्हणलं जाते सरळ एक घाव दोन तुकडे करून टाकीन मर्दान मर्दानी खेळ हा महाराष्ट्रात महाराष्ट्रातच आज मर्दानी खेळाचा लोप होत आहे खरं तर सांगायला दुःख वाटते पण कोल्हापूर जिल्हा असा आहे कोल्हापूर जिल्हा पुणे जिल्हा अशा ठिकाणी मर्दानी खेळाला उत्साह प्रोत्साहन दिले तर आज ही मर्दानी खेळ तिथं टिकू शकतोय त्यामुळं जास्तीत जास्त लोक मर्दानी खेळाबद्दल जागरूक व्हायला पाहिजे आणि मर्दानी खेळाला पुढं कसं नेता येईल याबद्दल आपल्याला जास्तीत जास्त काय करता येईल या मोठ्या एवढ्या प्लॅटफॉर्मवर मी उभारलोय आणि मर्दानी खेळाविषयी काय सांगतोय तर आपले सगळे खेळ आहेत पण सिलंबम आहे केरळ मध्ये कलरीपटू हाय परत पंजाबमध्ये गटका आहे पण मर्दानी खेळायला ते स्टेज मिळालेले नाही की अजून की मर्दानी खेळ आज या यामध्ये मोठा होऊ शकतो धन्यवाद इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है अपनी तरफ से कि मर्दानी खेल कि भी हमें बढ़ावा देना चाहिए अब तक तो मरदानी खेल को इतना सारा बढ़ावा मिल नहीं चुका है जैसे कि बाकी गेम को मिल चुका है हाँ कमियां है महाराष्ट्र के जो लोग जो है उन्होंने थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए था उसे उस तरीके से नहीं किया बस वही बात उन्होंने रखी है हम सभी को यहाँ पे आपने बोलने के बोलने का चांस दिया परफॉर्मेंस करने का चांस दिया इस आप इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू नंड्री थैंक यू नन्द्री so uh, that brings us to the close of this panel thank you very much for sharing your opinions uh, सभी को रिक्वेस्ट है एक जो भी गत का खेले जो हमारे गुरु थे ना उन्होंने इनको पीर कहा है हम जैसे हम भगवान को पूछते हैं ना हम इसको भी पूछते हैं सही बात ना जब भी हम परफॉर्म करते हैं हमने स्टेज शो खेलना है किसी के भी आगे परफॉर्म करना है हम किसी के आगे गतका परफॉर्म करते हैं जो भी हम स्टिक यूज़ करते हैं कोई भी वेपन यूज करते हैं उसकी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है ऐसा नहीं हमने खेला घुमाया फेंक दिया ये बात जरूरी बहुत बहुत ज़रूरी बात है हमें फल भी उसी चीज़ का मिलता है जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं सही बात नहीं कोई भी चीज़ हम खेलते हैं हम अपने कोई गाड़ी रखते हैं कोई अपने घर का सामान रखते हैं हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं ऐसा अगर हम गेम की तरफ से भी गतका खेलते हैं हम तो चलो हमारा हमारा धर्म भी है हम तब भी खेलते हैं हम गेम जैसे अब बोल रहे हैं ओलंपिक में भी गतका आएगा यही बात नहीं ना पर जरूरी बात है रिस्पेक्ट करना जो भी हम वेपन से खेल रहे हैं हम किसी को भी ध्यान रख के हम जैसे जो हमारे गुरु थे ना उन्होंने बोला था हम देवी की पूजा करते हैं जो जो शमशीर थी उन्होंने बोला था बोला था ये हमारी भगौती है हम इसकी पूजा करके வந்து யாரும் வந்து பிறப்புலையே வந்து ஒரு கலையை கற்றுக்கிட்டு வர்றதில்ல நாம ஒருத்தவங்க கிட்ட கற்றுக்கிட்டோம் நாம அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம கற்றுக்கிட்டு தான் ஒரு பத்து பேருக்காச்சும் சொல்லி கொடுக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து இந்த மேலால வந்து கலந்துக்கிட்டோம் இதே மாதிரி நிறைய வந்து அழிஞ்சு போன கலைகளை நாம் நிறைய மேலா எக்ஸிபிஷன் இந்த மாதிரி பிளேஸ்ல வந்துட்டு ஷோ பண்ணி அடுத்து இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம வந்து அழிஞ்சு போ அழிஞ்சிகிட்டு இருக்கிற கலையை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அது வந்து இந்த கலையை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்குறோன்றது எவ்வளோ இம்பார்ட்டனோ அதே மாதிரி அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்க நம்ம இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் மென்டலி எல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்காங்க ஆனால் ஃபிசிக்கலாக எல்லோரும் ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்க அதை நம்ம எல்லோரும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் மென்டலி அவங்க எல்லாருமே ஸ்ட்ராங்காகணுன்னா சார் எல்லோரும் சொன்னாங்க அதே தான் நானும் சொல்ல போகிறேன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வேணும் அதுக்கு எல்லோரும் வந்து ஒரு தற்காப்பு கலையை கற்றுக்கணும் சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் வந்து அதை கட்டாயமாக்கணும் நான் வந்து கற்றுக்கிட்டது என்னோட குரு பாபு அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு இந்த கலை வந்து செய்கிறதுக்கு ஒரு இருபத்தெட்டு இருபத்தி வருஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் இது எனக்கு முன்னாடியே கிடைச்சிருந்தா நான் இன்னும் நிறைய பேருக்கு கற்றுக் கொடுத்துருப்பேன் நான் கற்றுக்கிட்டு தமிழ்நாட்டில் ஒரு மூணு டிஸ்ட்ரிக்டில் சொல்லி கொடுத்தேன் நாங்கள் இப்படி தான் ட்ராவல் இருக்கோம் யாரெல்லாம் எங்களுக்கு எங்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு கர்நாடகா பாண்டிச்சேரி இங்கெல்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் மால்கம் எங்களோட சீனியர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் இவங்கள வச்சு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம் சுபாஷ் சார் மூலியமாக வந்து இந்த ஒரு சான்ஸ் கிடச்சது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் அடுத்து கேரளாவில் மல்கம் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் இருக்கிற நிறைய மார்ஷல் ஆர்ட்ஸை நாங்கள் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க ரொம்ப தயாராக தான் இருக்கோம் அந்த ஒரு வாய்ப்பை நீங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னு நாங்க ரொம்ப ரிக்வெஸ்டா கேட்டுக்கிறோம் அதோட எல்லா கலையுமே வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் அழிஞ்சி இந்த அளவுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு இடத்துல தான் அங்கங்க பார்க்க முடிகிற மாதிரி இருந்தது அது அதிசயமா எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்படி ஒரு கலையாதான் மழ்க்கமும் இருந்தது இன்னைக்கு எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு கலையா இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு நேஷனல் கேம்ஸ்ல இன்னைக்கு லைவா போயிட்டு இருக்கு அதை நினைக்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இதே மாதிரி இருக்கிற எல்லா ஒரு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸும் நல்லா டெவலப் ஆகணும் அத்தோட ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்த கேம்லாம் எப்படி இருக்கும் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிங்க அது எப்படி இருக்க போதுன்றது இந்த ஸ்டேஜில் இருக்க என்ன மாதிரி சார் உங்களை மாதிரி இருக்கிற ஆட்கள் கையில் தான் இருக்குது நம்ம இந்த கலையை அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலியமாக நம்ம மூலியமாக கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் நாம் எதையும் எதிர்பார்த்து இது இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல ஆனா வந்து இந்த கலையை கற்றுக்கிட்டோம் அது அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது நம்மளோட கடமையா நம்ம நினைக்கிறோம் நம்மளோட மாணவர்களுக்கும் நம்ம சொல்ல வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் என்கிட்ட கற்றுக்கிட்ட முன்னால முடிஞ்சது இன்னும் ஒரு ஆச்சு அட்லீஸ்ட் ஒருத்தவங்களுக்காச்சு சொல்லிக் கொடுத்து அவர் மூலியமா இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான் எங்களோட ரிக்வெஸ்ட் இதை பேஸ் பண்ணி எல்லாரும் டிராவல் பண்ணோன்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ சார் தேங்க் யூல் தாட் ஈச் ஒன் டீச் ஒன் so that the martial arts fraternity can grow and he said 2047 is the responsibility of everybody sitting on this stage and everybody who's attending this mela thank you very much for being you, here with us uh, please uh, stay back for the kalari payat performance the team is ready the uh, live crew they've moved to Agastya kalari they've left okay thank you i